हम पिछले 50 सालों में एक इमाम पैदा नहीं कर पाए। बिल्कुल, हमने अवकाफ के मुलाजिम पैदा किए, हमने मस्जिद कमेटियों के मुलाजिम पैदा किए, वो तनख्वाह के लिए लोगों को नमाजें पढ़ाते हैं, निकाह का रजिस्टर हाथ में उनको पकड़ा दिया वो निकाह कराते हैं, जनाजा पढ़ाने के लिए उनको हमने रखा है, लेकिन इमाम नहीं तैयार कर पाए जो कम्युनिटी का, जो इस कौम का फला और बहबूद समझ पाए। कभी लीडर चुना ही नहीं, कम्युनिटी ने कभी लीडर बनाया ही नहीं। कम्युनिटी ने DDC बनाए, कम्युनिटी ने सरपंच बनाए, कम्युनिटी ने MLAs बनाए, कम्युनिटी ने काउंसलर्स बनाए, लेकिन कम्युनिटी ने लीडर तो कभी क्रिएट नहीं किया। तो किश्तवाड़ की इकॉनमी जो है ये इंटरडिपेंडेंट है हिंदू और मुस्लिम्स के बीच। बिल्कुल, आप उसको सेग्रीगेट नहीं कर सकते। किश्तवाड़ शहर में 90% जो कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट है वो मुस्लिम्स की है जी, लेकिन 60% जो कमर्शियल चीज़ें जो रन हो रही है, चाहे दुकानें हैं, हॉस्पिटल्स हैं, स्कूल्स हैं या जितनी भी कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, वो हिंदू कम्युनिटी के लोग चला रहे हैं। बिल्कुल, वहाँ जम्मू कश्मीर में इलेक्शंस का जो पहला मरहला है वो इख्तिताम पजीर हो गया है, उम्मीदवारों की जो किस्मत है वो EVM में कैद हो गई है। पूरे जम्मू कश्मीर की अगर बात की जाए, जो सियासत का जो गलियारों में इस वक्त नाम चल रहा है वो ज़िला किश्तवाड़ का चल रहा है, क्योंकि पूरे जम्मू कश्मीर को इस वक्त किश्तवाड़ पर नज़रें बनाए हुए हैं। साथ ही साथ में अगर मैं यहाँ आपको बात बताता चलूँ, जो किश्तवाड़ का इस बार जो वोटिंग कॉस्ट हुई उस पर आपने भी देखा कि किस तरीके की पोलिंग हुई, बहुत सारे मुद्दे हैं। उन मुद्दों को लेकर जो है मेरे साथ PDP के कैंडिडेट फॉर्मर MLC फिरदौस सेवा टाक मेरे साथ खसूसी बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। टाक साहब, सबसे पहले अपना टाइम देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पर एक जो पोलिंग का आपने भी देखा कि किस तरह का रुझान रहा, इख्तिताम पजीर हो गया है, आप इस पूरे सिनेरियो को किस तरीके से देखते हैं, क्या बताएंगे इसको लेकर? देखिए, सबसे बड़ी बात मैं जो ये इलेक्शन के दिन से ही मैं ये सभी मीडिया के दोस्तों से कह रहा हूँ कि बेशक 10 साल के बाद ये इलेक्शन हुए हैं जी, अनफॉर्चुनेटली ये हमारे ऊपर कोई एहसान तो है नहीं जी। ये इलेक्शन जो है वो 4 साल पहले हो जाने चाहिए थे लेकिन नहीं हुए जी। लेकिन इलेक्शन होना खुद में एक अच्छी बात तो है ही जी, लेकिन उससे बड़ी अच्छी बात ये है कि पहली बार पिछले 20 सालों में इलेक्शन हुए जी, किश्तवाड़ में पीसफुली इलेक्शन हुए। अदरवाइज आपने देखा है कि पिछले 3 इलेक्शनों से ठीक 1 महीना, 1.5 महीना या 2 महीने पहले किश्तवाड़ में कैसे जहर उगला गया और किश्तवाड़ को कैसे आग की नज़र किया गया, जो कम्युनल वायलेंस यहाँ पे हुई उनका खामियाजा जो है वो आज तक यहाँ की आवाम भुगत रही है। बहुत सारे लोग उन जो हादसात हैं उनका शिकार हो गए, अभी तक बहुत सारे नौजवान पुलिस स्टेशन और कोर्ट्स के चक्कर लगा रहे हैं। तो सबसे बड़ी जो मुझे एक अच्छी बात ये लगी कि इस बार डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ की तरफ से बिल्कुल सरचार्ज किया गया था एटमॉस्फेयर कम्युनल डिवीजन क्रिएट करने के लिए अपने मकसद के लिए, उसके बावजूद भी लोगों ने सब्र तहमुल से काम लिया और ये इलेक्शन पीसफुली हुए जी। और उसके बाद जो लोगों ने बढ़ चढ़ कर इस इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया वो एक हेल्दी ट्रेंड जी। भागवान साहब, यहाँ भागवान स्कूल में एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ जिसमें आपके ऊपर जो है वहाँ पर बहुत बड़ा मसला हो गया, जिसमें पूरे किश्तवाड़ को और पूरे जम्मू कश्मीर में आपने देखा होगा कि एक मीडिया ने इसको किस तरीके से प्रोपोगेट किया, बहुत सारी चीज़ों को लेकर जो है जहाँ आपने साफ साफ लफ्ज़ में बहुत सारी चीज़ों का भी खुलासा किया था। भागवान स्कूल का इंसिडेंट को किस तरीके से आप देखते हैं और उस पूरे इंसिडेंट पर क्या कुछ बताएंगे आप, क्योंकि एक बहुत बड़ा मसला बन चुका है, उस पर आप क्या बताएंगे? देखिए, ये कोई एक इंसिडेंट है उसका तो मैं डिनाई नहीं कर सकता जी, लेकिन जिस तरह से उस इंसिडेंट को पेश किया गया, इनिशियली जिस तरह पेश किया गया, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी की जो कैंडिडेट हैं एक मैच्योरिटी की कमी है जी, और उसी मैच्योरिटी को दर्शाते हुए जो उन्होंने रोल प्ले किया वहाँ पर, मेरे लिए सबसे बड़ा जो इशू वहाँ पर था वो ये था कि वो जिस तरह से अपने वर्करों को भड़का रही थी जी और झूठ बोल के भड़का रही थी, अगर उसमें सच्चाई होती तो शायद मैं भी बैकफुट पे होता जी, लेकिन झूठ के बिना पे वो भड़का रही थी और जो तेवर मैंने उन वर्करों में देखे, किसी के भी हो सकते हैं, अगर
अगर मुझे कहा जाए कि मेरी बहन को किसी ने धक्का दिया है, मेरी बहन के साथ बदतमीजी की है, तो कोई भी भाई नंगी तलवार लेकर जो है अपनी बहन को डिफेंड करने के लिए निकले जी। लेकिन मेरा वहाँ पे भी ऑब्जेक्शन सिर्फ ये था कि ये विक्टिम कार्ड मत प्ले करिए। अगर आपने वोट लेने हैं आप जेन्युइन तरीके से लीजिए। किश्तवाड़ ऑलरेडी सेंसिटिव इलाका है, इसमें ये वाला किस्सा नहीं चलेगा। उसके अलावा जो उसके बाद जो इंसिडेंट हुए, क्योंकि ये पहले प्रोजेक्ट किया गया था बीजेपी वर्सेस पीडीपी, हालांकि वैसा कुछ नहीं था। हाँ, हमारा फिर जो पुलिस ने वहाँ पे रोल प्ले किया उस पे हमें दिक्कत हुई। और इस सिलसिले में मैंने ऑलरेडी जो इलेक्शन हुकाम है यहाँ के एसएसपी है, मैंने दो क्रिमिनल कंप्लेंट्स जो एडिशनल एसपी थे उनके खिलाफ, उसके अलावा जो पीएसओस थे उनके खिलाफ क्रिमिनल कंप्लेंट्स फाइल की गई हैं। जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं उनकी तरफ से जो क्रिमिनल इंटिमिडेशन हुई, बुरके उतारे गए, आइडेंटिटी कार्ड चेक किया गया और जिस तरह से उन्होंने पोलिंग को डिस्टर्ब किया, उसके लिए मैंने इलेक्शन कमीशन में कंप्लेंट फाइल की है। उसके अलावा मैंने सभी जो अधिकारी इस इलेक्शन प्रोसेस में इन्वॉल्व थे जी, उनकी डिरेलिक्शन ऑफ ड्यूटी, जो रोल उन्होंने प्ले किया, खासकर पुलिस महकमे की तरफ से जो रोल प्ले किया गया है, उसके लिए मैंने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कंप्लेंट फाइल की है। और एक और कंप्लेंट हम कल फाइल कर रहे हैं उस पुलिस ऑफिसर के खिलाफ, हम होम डिपार्टमेंट जो है इस मुल्क का, उसमें हम उनके खिलाफ कंप्लेंट फाइल कर रहे हैं। और हमें उम्मीद है कि लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स, हमें किसी से लॉ सीखने की ज़रूरत नहीं है, कानून सीखने की ज़रूरत नहीं है। हम कानून का हर वो दरवाज़ा खटखटाएंगे जहाँ से हमें इंसाफ मिले। टाक साहब, आपने कहा कि इस पर जो है जो भी किया गया उस पर आपने जो, क्योंकि लोग भी जानना चाहते हैं कि आखिरकार ये जो इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ इसका आखिरकार ये पहुँचा कहाँ है, लोग बड़ी देर से इंतज़ार कर रहे थे। मेरा आपसे तीसरा सवाल ये रहेगा कि जहाँ आपने देखा कि जब भी जम्मू कश्मीर में करीबन 10 साल के बाद जो है इंतखाबात हुए, उन इंतखाबात को लेकर जो है लोग भी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, आपको नहीं लगा कि 10 साल गुजर जाने के बाद भी किश्तवाड़ ज़िला, ऐसे हसास ऐसे ज़िला के अंदर हिंदू मुस्लिम का कार्ड खेला गया, उस पर आप क्या बताएंगे? जहाँ डेवलपमेंट की बात करनी चाहिए थी, जहाँ डेवलपर्स पर वोट मांगे जाने चाहिए थे, मगर वहाँ पर आपने देखा कि यहाँ फिर वही कार्ड खेला गया, हिंदू मुस्लिम ऐसे करके जो है वोट बढ़ो रहे, इस पर आप क्या बताएंगे? देखिए, मैं इसमें बतौर एक सियासतदान या एक असेंबली हलका का कैंडिडेट की तरफ ना सही, बल्कि एक आम किश्तवाड़ी की तरफ बयान देना चाहूँगा कि किश्तवाड़ में आप हमेशा से जो पॉलिटिकल पार्टीज यहाँ पे सरगर्म रही है, जब तक नेशनल कॉन्फ्रेंस दौरे हुकूमत में रही तो उन्होंने यही कोशिश की कि बीजेपी को एक स्पेस मिले। और स्पेस इसलिए मिले क्योंकि जब ठीक 6 साल के बाद इलेक्शन होगा तो लोग हमसे हिसाब नहीं मांगेंगे कि आपने डेवलपमेंट कराई नहीं कराई, सड़कें बनाई नहीं बनाई, आपने अस्पतालों में क्या किया, आपने अनएम्प्लॉयड यूथ के साथ क्या किया। 6 साल के बाद जब इलेक्शन होंगे, चूंकि बीजेपी का एक चंक जब रहेगा तो उनको मुसलमान वोट जो है वो हासिल करने के लिए उनको कुछ नहीं करना है, सिर्फ हिंदू और मुस्लिम करना है जी। और वो प्रैक्टिकली वो सक्सेसफुल रहे उसमें, 2-3 इलेक्शंस में वो सक्सेसफुल रहे, लास्ट टाइम शायद उनका वो दाव सही नहीं रहा। बीजेपी ने भी सेम कार्ड खेला, बीजेपी ने भी वही किताब उठाई, उसी किताब के वही वर के पलटे, वही सबक पढ़ा और उसी चीज़ को इम्प्लीमेंट किया। जब आज 10 साल के बाद इलेक्शन होने थे तो जब लोगों के सामने जवाब देना था अपनी कम्युनिटी के, और उस कम्युनिटी के जिसने सच में, मैंने खुद देखा है लास्ट असेंबली इलेक्शन में, हमारी बहनों ने अपने जेवर बेचे जी, 2014 के इलेक्शन में, कि सुनील कुमार शर्मा जो है एमएलए बन जाए हमारी कम्युनिटी का बहुत बड़ा भला होगा जी। लोगों ने अपनी जमीनें बेची कि सुनील कुमार शर्मा जो है वो एमएलए बन जाए हमारी कम्युनिटी का भला होगा। लेकिन 10 साल गुजरने के बाद भी लोगों को ये पता लगा कि ये तो झूठ था जी, जिस बुनियाद पे इलेक्शन लड़ा गया था वो तो झूठ था। तो उनको वही चैप्टर निकालना पड़ा कि आप फिर वही कम्युनल डिवाइड कीजिए। तक साहब, लेकिन आना चाहूंगा क्यों यहाँ पर, अगर आप एक बात कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने जो है हिंदू मुस्लिम का कार्ड खेला है, आपने नहीं देखा कि इस इलेक्शन में मुस्लिम भी किया गया? मैं वही कह रहा हूँ, आप पहले ये देखिए, पहले आप बीजेपी का जो हिंदू कार्ड यहाँ पे खेला जाता है, मैं उस पर बात करूंगा। देखिए, किश्तवाड़ की इकोनॉमी जो है ये इंटरडिपेंडेंट है हिंदू और मुस्लिम्स के बीच, बिल्कुल आप उसको सेग्रीगेट नहीं कर सकते। किश्तवाड़ शहर में 90% जो कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट है वो मुस्लिम्स की है जी, लेकिन 60% जो कमर्शियल चीज़ें जो रन हो रही है, चाहे दुकानें हैं, हॉस्पिटल्स हैं, स्कूल्स हैं, या जितनी भी कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, वो हिंदू कम्युनिटी के लोग चला रहे हैं। बिल्कुल वहाँ पे कोई क्लैश नहीं है।
आप देखिए जो किश्तवाड़ शहर है वहाँ पे आपको हिंदू बस्तियाँ दिखेंगी जिसके आसपास बिल्कुल मुस्लिम मेजॉरिटी है। बिल्कुल, जब जब दंगे हुए उन मुसलमानों ने उन बस्तियों में रात रात भर पहरे दिए कहीं किसी पड़ोसी पे पत्थर ना उठे। जी बिल्कुल, जितने बड़े मंदिर हमारे शहर में है वो मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज में है। बिल्कुल, कभी किसी मंदिर पे कोई पत्थर नहीं उठा। तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो सोशल फैब्रिक है वो बहुत स्ट्रांग है। जी, लेकिन सियासत के लिए सियासतदान जो है ये कार्ड प्ले करता है। जी, ये कार्ड प्ले इसलिए करता है क्योंकि उनको जवाब ना देना पड़े। जी, और अल्टीमेटली वो उसमें अनफॉर्चुनेटली सक्सेस इंतखाबात में ही क्यों ये सब चीज़ें नज़र आती हैं। उससे पहले जब यहाँ का हिंदू मुसलमान सब एक जगह पर है, जब इंतखाबात आते हैं तो उसी टाइम ये हिंदू मुस्लिम का देखिए वो आपको क्या लगता है इस पर आप क्या बताएंगे? वो यहाँ के लोगों को सोचना पड़ेगा कि वजह क्या है। हम लोग किश्तवाड़ के 90% 95% लोग जो है वो पॉलिटिकली इनएक्टिव है, 5% लोग यहाँ की सियासत चलाते हैं। वो लोग जो है यहाँ के अनपढ़ लोगों को, यहाँ के पढ़े लिखे लोगों को अनपढ़ लोग बेवकूफ़ बनाते हैं, यहाँ के बेरोजगारों को रोजगार जिनको ऑलरेडी मिला है वो बेवकूफ़ बनाते हैं, और इलेक्शन से ठीक पहले वो ऐसा माहौल क्रिएट करते हैं कि अगर किसी में थोड़ा बहुत इंटेलेक्ट है भी, वो खुद भी सोच रखता है, लेकिन ऐसा प्रेशर क्रिएट किया जाता है कि वो उनकी बातों में आता है। आप देख लीजिए, आप मुस्लिम कम्युनिटी की बात कर लीजिए, हम पिछले 50 सालों में एक इमाम पैदा नहीं कर पाए। बिल्कुल, हमने अवकाफ के मुलाजिम पैदा किए, हमने मस्जिद कमेटियों के मुलाजिम पैदा किए, वो तनख्वाह के लिए लोगों को नमाजें पढ़ाते हैं, निकाह का रजिस्टर हाथ में उनको पकड़ा दिया वो निकाह कराते हैं, जनाजा पढ़ाने के लिए उनको हमने रखा है, लेकिन इमाम नहीं तैयार कर पाए जो कम्युनिटी का, जो इस कौम का फला और बहबूद समझ पाए, जो इस कम्युनिटी को साथ लेके चल पाए। हमने डिपेंडेंट बना दिया अपने जो खतीब है, जो सो कॉल्ड इमाम है, उनको हमने डिपेंडेंट बना दिया है कि कोई जो 500 रुपये दे 1000 रुपये दे तो वो उनकी बात करते हैं। हमारे जो दरसगाह चलते हैं उन दरसगाहों को हमने फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस दी ही नहीं, हम दे ही नहीं पाए। तो ये सारी चीज़ें जो है जिस कम्युनिटी में हम 50-100 साल में एक इमाम तैयार नहीं कर पाए, वो लीडर कहाँ तैयार कर पाएंगे? वो MLA चुनते रहे। आप देखिए, हम MLA चुनते हैं लेकिन लीडर नहीं बना पाए, लेकिन जो MLA बने वो तो लीडर कभी कम्युनिटी के बन ही नहीं पाए, चाहे वो हिंदू कम्युनिटी के हों मुस्लिम कम्युनिटी के हों। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो लीडर होते हैं वो डिपेंडेंट नहीं होते किसी पोस्ट के लिए। जी, उनको जरूरत नहीं होती है कि वो MLA रहे, MLC रहे, सरपंच रहे, पंच रहे। जी, वो लीडर होते हैं कम्युनिटी के। तो कम्युनिटी ने कभी लीडर चुना ही नहीं, कम्युनिटी ने कभी लीडर बनाया ही नहीं। कम्युनिटी ने DDC बनाए, कम्युनिटी ने सरपंच बनाए, कम्युनिटी ने MLAs बनाए, कम्युनिटी ने काउंसलर्स बनाए, लेकिन कम्युनिटी ने लीडर तो कभी क्रिएट नहीं किया। तो जब इलेक्शन होते हैं, चूंकि वो गैप खाली है, जबकि वो गैप खाली है, जो लीडरशिप का गैप है, तो इसलिए जब सियासतदान आता है वो सियासतदान जो है उस गैप को फिल करने के लिए कोशिश करता है। तो उस गैप को फिल करने के लिए आपने क्या करना है, आपने 5-6 मौलवियों को गाड़ी दे देनी है, उनको गाँव में भेजना है और वो जाके आपका प्रचार करेंगे। तो वो कहीं ना कहीं उसमें कम्युनिटी जो है वो धोखा खा जाए। डॉक्टर साहब, एक आखिरी सवाल रहेगा, जहाँ किश्तवाड़ में अगर देखा जाए तो अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा है। आप यहाँ के नौजवानों को देखेंगे, घर में बैठे हैं, बहुत सारे ड्रग्स में मुलाविस से आपने देखा होगा, हर रोज़ किश्तवाड़ से खबरें मौसूल होती रहती हैं। आप चाहे सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म देखें, अखबारों की सुर्खियाँ देखेंगे, तो नौजवान हमारा जो है कभी कोई ऐसा दिन खाली नहीं जाता जब FIR यहाँ से कटती नहीं है। देखिए, इलेक्शंस भी होते हैं, इलेक्शंस भी हो जाएंगे, रिजल्ट्स आने वाले हैं, मगर अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है, नौजवानों की कोई सोचता नहीं, उस पर आप क्या बताएं? जब तक किश्तवाड़ के लोग ठेकेदारों और सरमायादारों को अपना लीडर चुनेंगे, जब किश्तवाड़ के लोग उन लोगों को MLA और MPs बनाएंगे जिनका इन पावर प्रोजेक्ट्स में डायरेक्ट बेनिफिट है, तब तक किश्तवाड़ के लोग सिर्फ इलेक्शन के टाइम पर ही बेरोजगारी करते रहेंगे। ये एक लंबी लड़ाई है, और ये लड़ाई सिर्फ वो लड़ सकता है जिसका अपना कोई सेल्फ इंटरेस्ट नहीं, जो खुद ठेकेदार नहीं बनना चाहता। आप देखिए, आप भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स देख लीजिए, वो डायरेक्ट बेनिफिशरी नहीं लेकिन इनडायरेक्ट बेनिफिशरीज हैं। उन्होंने अपने ठेकेदार बनाए, अपने लोग वहाँ पे मुलाजिम लगाए, अपने लोग वहाँ पे बड़ी पोस्ट पे लगाए ताकि वो डायरेक्ट कंट्रोल कर पाएं। तो उस कंट्रोल के चक्कर में जो है वो कम्युनिटी के जो और सोसाइटी के जो बेरोजगार हैं उनको कुछ नहीं मिला। इससे पहले आप देखिए, आप डलहस्ती पावर प्रोजेक्ट जब नेशनल कॉन्फ्रेंस के दौर में यहाँ पे आया, कोई प्रोविजन ही नहीं रखा गया कि NHPC को मैंडेटरी है कि वो किश्तवाड़ के नौजवानों को रोजगार लगाए। बिल्कुल,
हमारी गवर्नमेंट में पहली बार मैडम महबूबा मुफ्ती की सरबराही में आरआर प्लान बना और पकड़ डूल में लोगों को 33-33 लाख रुपए का कंपनसेशन मिला जी। वो एक अब यूनिवर्सल रूल बन गया है, जम्मू कश्मीर में जो भी प्रोजेक्ट बनेगा वहाँ पे वही आरआर प्लान इंप्लीमेंट होना है। हमारी गवर्नमेंट में एमओयू साइन हुआ जिसमें 70% जो है अपने लोकल रोजगार देने हैं, लेकिन वो 70% इन्होंने नॉन टेक्निकल के लिए रखा हुआ है। उसको इम्प्लीमेंट कराने की जो आने वाली सरकार होगी एक बहुत बड़ा उसको रोल प्ले करना होगा। और सबसे बड़ा जो किश्तवाड़ के लोगों को स्ट्रगल करना पड़ेगा वो NHPC और CVPP के खिलाफ होना चाहिए, जहाँ पे NHPC से अपना कोटा ऑफ एम्प्लॉयमेंट हमें मांगना पड़ेगा, CVPP को लोकल एम्प्लॉयमेंट करनी पड़ेगी। मैं एक वाहिद ऐसा इंसान हूं जिसने अपनी गवर्नमेंट के दौरान सिर्फ एक एडवर्टीजमेंट निकली इंजीनियर्स की, और वो इंजीनियर्स की पोस्ट जो है CVPP ने ऑल इंडिया बेसिस पे लगाई। मैंने उसमें शोर उठाया, मैडम मुफ्ती के चीफ मिनिस्टर के इंटरवेंशन पे वो कैंसिल करनी पड़ी CVPP को एडवर्टीजमेंट, और 20 पॉइंट जो है वो लोकल यूथ के लिए उसमें ऐड किए, जिसकी वजह से आज 5 और 6 नौजवान जो है हमारे इंजीनियर जो है वो CVPP में लगे हैं। जब तक ना आप इसको ब्रॉड बेस्ड कोई प्लान बनाएंगे, पूरी सोसाइटी को इन्वॉल्व करके एक स्ट्रगल करनी पड़ेगी, फिर ही इसका सलूशन निकलेगा। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। ये थे फॉर्मर MLC फिरदौस अहमद टाक साहब, मेरे साथ बात कर रहे थे, और आज के किश्तवाड़ कॉन्स्टिट्यूएंसी से पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी से जो है इलेक्शन लड़ रहे हैं। बहुत सारे सवाल किए गए, मैंने सवालों में कुछ चीज़ें जो आप कहीं दिनों से सोच रहे थे कि आखिरकार जो बागवान स्कूल में एक इंसिडेंट हुआ था उस पर क्या हुआ, वो भी आपने सुना कि किस तरीके से जो है इन्होंने फाइल्स जो है इनके खिलाफ करी हैं, जो भी आने वाले दिनों के अंदर वो भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। साथ ही साथ में जो यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट, और तीसरा सवाल मेरा था कि यहाँ पर इंतखाबात के दौरान ही हिंदू मुस्लिम और मुस्लिम मुस्लिम याद क्यों पड़ता है, तो इन्होंने स्पष्ट तौर पर जो है इस पर जवाब दिया है कि यहाँ पर जो भी पॉलिटिकल पार्टीज दौरान जब इंतखाबात होते हैं तो यहाँ पर डेवलपमेंट की बात करने के बजाय यही कार्ड खेला जाता है, ताकि मुस्लिम मुस्लिम करने वाले लोग जो है वो मुस्लिम वोट बटोरें और हिंदू मुस्लिम करने वाले जो है हिंदू का वोट बटोरें, जिससे किश्तवाड़ की जो है जो किश्तवाड़ हल्के की या किसी भी हल्के की तरक्की नहीं हो सकती है। फिलहाल आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।